न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ 11 और दूसरे सैनिकों का भी निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स के MI-17V5 का जब हेलीकॉप्टर क्रैश कुन्नूर में हुआ तो इसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे हादसे में अकेले बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है, वो बुरी तरह से घायल हैं। दरअसल तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर इलाके में 8 दिसंबर को इस हादसे में इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल विपिन रावत मौजूद थे और उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में देश ने अपना पहला CDS खो दिया। इसके साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 सैनिक हमारे बीच नहीं रहे। इस भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले सर्वाइवर हैं, यानी कि वो बचे हैं और उनका इलाज चल रहा है। दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश होने के साथ ही उसमें आग लग गई थी और इस वजह से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस बारे में इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली ट्वीट करते हुए बताया, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह डायरेक्टिंग स्टाफ एट DSSC विद इंजरीज इन करेंटली अंडर ट्रीटमेंट एट मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन। यानी कि ग्रुप कैप्टन जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टिंग स्टाफ में हैं, वो इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हुए हैं और उनका इलाज वेलिंगटन के आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पूरे हादसे की जानकारी दी और बताया कि वरुण सिंह का इलाज आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है, वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर हैं। क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। अब जरा शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में जान लेते हैं। 42 साल के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह दिल्ली में जन्मे और वो अभिनंदन वर्धमान के बैचमेट हैं। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पैतृक घर UP के देवरिया में है। वरुण सिंह के पिता कर्नल KP सिंह भी सेना से रिटायर्ड हैं। अभी उनका परिवार मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता है। वरुण सिंह कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के भतीजे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के डायरेक्टिंग स्टाफ में हैं। वरुण सिंह बेस्ट पायलट अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। बीते साल तेजस फाइटर प्लेन की एक उड़ान के वक्त टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, लेकिन ऐसे में भी वरुण सिंह ने तेजस को मिड एयर इमरजेंसी में सेफ लैंड करवा दिया था। उनके इस बेहतरीन साहसिक काम को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इसी साल शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। वरुण सिंह अपनी पत्नी गीतांजलि और एक बेटी और बेटे के साथ रहते हैं। पूरा देश वरुण सिंह के लिए दुआ कर रहा है, उनके जल्द ही सेहतमंद होने की कामना कर रहा है।